जब आपने उसको यहाँ पर बुला लिया है तो मेरी तरफ से शिकायत करना ठीक नहीं होगा। सो इट्स ओके, मैं ही उसे जाकर मिल लेती हूँ। और यस, वन मोर थिंग, उसे मेरा कमरा में ही रहने दीजिएगा ताकि मैं उससे बात कर सकूं। सौमेंद्र के बारे में सीक्रेटिव टॉक्स, लव, रोमांस की बातें, ओके? जी सुजी मैडम, जैसी आपकी मर्जी। ओके, तो मैं उससे जाकर मिल लेती हूँ। तो पता है ये जो फिरंगी औरतें ना, ये यही करने आती है इंडिया में फालतू। चलो, क्या जरूरत थी बाबूजी को सरोजनी को वापस बुलाने की? कहीं देवर जी का मन फिर से उस पर आई गवा तो, कि अब सरोजनी से ही शादी करनी है। फिर क्या होगा? ये तो ही बात हुई कि खुद एक पैर खुद ही कुल्हाड़ी पे मार दी। बाबू जी भी ना पता नहीं काका करते रहते हैं। जाओ रसोई का काम संभालो। चलो हेलो, कुछ तो पक रहा है यहाँ। अरे मन्नू, इतनी बड़ी कहानी नहीं बना सकती। लगता है हमका ही पूछताछ करके जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। नहीं, हम जब से यहाँ आए हैं गोलू का कुछ पता नहीं है। जैसे गोलू का पता चलेगा ना, मैं गोलू को लेकर वापस लौट आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। कौन सी चिंता की बात कर रही हैं? कुछ नहीं, वो जाना है ना जल्दी, तो ये बात कर रही थी। हाँ, सुना हमने। हे भगवान, कहीं उन्होंने मेरी पूरी बात तो नहीं सुन ली? वो आप वापस जल्दी लौटने की बात कर रही थी ना। क्या हुआ दादी? अरे कुछ ना, वो वापस जल्दी लौटने की बात कर रही थी। हाँ, वो कुछ काम है ना, इसलिए जल्दी जाना है। हाँ, समझ सकते हैं, काम तो बहुत ही होगा। कोई नौकर चाकर भी ना है, सारा काम खुद ही तो संभालती हैं। एक बात बताइए हमका, इस सरोजनी का काम करती है? छोड़िए ना, ये सब जानकर आपको क्या करना है? हेलो, हेलो, लगता है गलती से लगा दिया होगा। अरे जानना है हमका। अरे कुछ तो करती होगी ना, घर में बैठने वाली लड़की तो है ना। नौकरी करती है। अच्छा, तो रहती कहाँ है? आप ही के पास? नहीं 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 नहीं, हमारे पास नहीं रहती, घर से थोड़ी सी दूरी पे रहती है। वो कंपनी वालों ने उसको क्वार्टर दिया है। क्या है ना, दिल्ली में सफर करना थोड़ा कठिन है, इसलिए वो वहीं रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए नाश्ता तैयार। अरे जल्दी का है, कर लेंगे नाश्ता भी। सरोजनी की दूसरी शादी के बारे में आपने कुछ ना सोचा? नहीं नहीं, उसका मन नहीं है शादी करने का। अच्छा अच्छा, मन नहीं है उसका। अरे और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? हमारी बातें सुन रही है का? जा यहाँ से। नहीं, हम तो ये नाश्ता लेके आए थे। और ये नाश्ता किसके लिए? इस सरोजनी के लिए है।
हाँ ठीक है, ला हमको दे दे, हम उसको नाश्ता दे देते हैं। अरे उससे कुछ बात भी करनी है हमका। हे भगवान, दादी तो सरोजनी को नाश्ता देने आ रही और मैं सूजी के भेष में। सूजी तो अंदर है, पानी चालू कर देती। ओ दिल्ली वाली, ऐसे क्या देख रही हो? नाश्ता लाए हैं तुम्हारे लिए, कोई जहर महर ना है? इस सूजी मैडम अभी तक नहा रही हैं? हाँ दादी, वो जस्ट अभी अभी नहाने गई है। अच्छा, ये लो तुम नाश्ता कर लो, हम भी तुम्हारे संग थोड़ा बतिया लेंगे। का है, बहुत दिन बाद मिली हो ना, तो हाल चाल पूछ लें तुम्हारा। ये लो कर लो नाश्ता। दादी जी, वो आप वहां पर रख दीजिए, मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। हाथ पीछे क्यों किया? मैडम जी, तुम यहां भी पीछे पीछे चले आए? वो सूजी मैडम। किससे मिलना है, सूजी मैडम से या सरोजनी से? अरे जाओ जाओ, नीचे जाओ, रसम करनी है चुमावन की, जाओ जाओ जी। जाओ हाथ में कुछ है का? हाथ में कुछ भी तो नहीं है दादी। तो दिल्ली में भी कुछ नहीं करती होगी? नहीं करती हूँ ना, नौकरी करती हूँ। तो रहती तो अपने मामा मामी के पास होगी? नहीं, कंपनी के क्वार्टर्स में रहती हूँ। तो हमको पता है वो दिल्ली में सफर करना बहुत ही कठिन है। यानी मन्नू जो कह रही थी वो सब पूरी तरह से झूठ था? क्या हुआ दादी? नहीं कुछ ना। इलो तुम नाश्ता कर लो और उसके बाद तैयार होके नीचे चुमावन की रस्म के लिए आ जाना। हाँ? दादी प्लीज मुझे इन सब चीजों में शामिल मत कीजिए। का है? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा दादी। जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता टूटा है उसका चुमावन मैं कैसे कर पाऊंगी? आप ही बताइए, अगर मैं गलत कह रही हूं तो? बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा ठीक है, रहने दो। इस पर तो बच गई। चल सरोजनी, आज अपने असली रूप में। हे भगवान, प्लीज सब संभाल लीजिएगा। ठाकुर साहब, अब तो सरोजनी आ गई है ना, अब तो गोलू को छोड़ दीजिए।
नहीं, शादी के बाद आप ना शादी के मजे लो। देखो शादी हो जाएगी फिर सरोजनी और गोलू को लेकर चली जाना दिल्ली, ठीक है? हाँ, आनंद लो शादी का। ये लड़की भी ना डिवोर्स के बाद भी इसको चैन नहीं है, कहाँ फंस गए मैं और गोलू। पता नहीं अमरिंद्रा पिटिया कहाँ और कैसी होगी। अरे जहां कहीं भी तुम्हारा ध्यान है वहां से हटाओ और यहां ध्यान लगाओ, चुमावन की रस्म करनी है। What chumma dadai? What is this chumma one? अरे चुम्मा ना चुमावन की रस्म है, अरे बहुत ही जरूरी रस्म है। और घर में भाभियां बेटियां दुल्हन को अक्षत और चंदन हल्दी के साथ चूमती हैं। अब बाकी यहाँ सब हो जाएगा ना, आप खुद ही देख लेना है। चलो बैठो। अरे सुमिंदर कहाँ रह गया? अरे सुमिंदर बचवा, आएगा वा आएगा, आए जाओ। अभी नाइन कहाँ रह गई? अरे आज भी तुम्हारी जगह कोई और काम करेगा का? तो जल्दी आओ। अरे मालकिन, इंदिरा बिटिया कहाँ है? उनकी भी तो शादी है। क्या है ना, सब लोग जुटे हैं ना तो उनकी रस्म भी हो जाएगी इनके साथ। हैं हैं, सब कुछ तुम्हारे कहने से ही तो होगा। अरे वो कहाँ है, इंदिरा के ससुराल में ये रस्म नहीं होती इसलिए नहीं होगी। चलो शुरू करो। दादी, और कितना छुपाओगी? इनाइन है, इससे कुछ ना छुपता पेट की बात भी निकलवा लेती है ये लोग। चुप नहीं रह सकती, चुप चुपचाप रस्म शुरू करो। ले कोई, वो भी चुमावन कर लेगी। ज्यादा बोलने से कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता। अरे न वो इस घर की बेटी है न बहू, वो कहे आएगी चुमावन करने? ज्यादा बीच में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, रहने दो। वैसे उसने अपने दिल पे कोई पत्थर वत्थर नहीं रखा, उसके चेहरे से पता चलता है कि उसके दिल में कोई दुख ना है। अब ऐसे भी ई शहरी लड़कियों का कलेजा तो काठ का होता है। अरे उनके लिए तो रिश्ते नाते ऐसे हैं जैसे खाना पीना, ई ना हुआ तो वो खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। चेहरे पर उसके मन में कुछ तो लग रहा होगा ना, वो भी बहू बनकर आई थी इस घर में। उसके चेहरे पे एक शिकन तक ना है। मन में अगर कुछ होता तो चेहरे से समझ में ना आ जाता। ओह यस यस, अब उसे बुलाना ठीक नहीं रहेगा। सपना, तुम अपने रिचुअल्स यानी कि अपनी विधि पूरी नहीं करोगी?
हे भगवान। क्या हुआ? ओहो, अरे सुजी मैडम की नाक रगड़ देनी चाहिए थी ना जब छींक आ रही थी। अरे छींक आनी नहीं चाहिए, ये अच्छा न हुआ। जल गवाना हाथ, लग गवा चांद में दाग। चुप, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। बहुत तो नहीं जल गया सुजी मैडम? अरे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? सरोजनी है ना, बैंगन से जलने पर इंदिरा दीदी के जो लेप लगाई थी वही लगा देगी। बहुत अच्छा लेप है, जलने का निशान भी न रहेगा। ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं, वो लेप से कुछ नहीं होगा, हम डॉक्टर बुलाते हैं। अरे अरे अरे, वो लेप लगवा देते हैं, तू ठीक ही कह रही है। चलिए मैडम जी, चलिए चलिए, ले जाओ जल्दी लगाओ लेप। हे भगवान, अब क्या होगा? आराम से आराम से, बहुत ही तकलीफ हो रही होगी। हमका माफ कर दीजिए मैडम जी, हमसे गलती हो गई। आज तो हो क्या मेरा काम? कहाँ मिलेगी सरोजनी इन्हें जो मेरे चले पर लेप लगाएगी? कहीं मेरी सच्चाई जानने के बाद बाबूजी गोलू को कुछ ना कर दे। अरे इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? यही तो विलायती मैम है, इन्हें लेप वेप नहीं चलने वाला। हम ना इन्हें एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलते है ना। अरे नाना, इतना वक्त ना है कि डॉक्टर का इंतजार करें, और उससे पहले घरेलू उपचार भी तो जरूरी है। चलिए चलिए मैडम, आइए। अरे अम्मा, ये फिरंगी मैम है, इन्हें डॉक्टर लगेगा। अरे तू चुप कर। अरे पर ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। चलो के वास्ते कुछ बोलिए। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे देख न रही, हाथ जल गया है। अरे को भी वही लेप लगा दे जो इंदिरा को लगाई थी। ओ, देख लूंगी, लगा दूंगी। आप लोग जाइए। हाँ, चलो चलो। अब आप लोग ये भी देखेंगे क्या कि मैं लेप कहाँ कहाँ लगा रही हूँ, हद है ये तो। अरे अरे, भगवान ने जरा सी अक्ल का दे दी, खुद को बड़का डॉक्टर समझने लगी। चलो 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 चलो। सुमेंद्र होता और तुम सरोजनी। अगर मैं सरोजनी होती ना तो मैं अपने सुमेंद्र को तड़पने का एक मौका नहीं देता। बिल्कुल ब्लंट बिंदास सरोजनी। अच्छा, तो अब लेप भी लगेगा या मैं ऐसी तड़पती रहूंगी? आप बैठिए, हम अभी लगाते हैं, दो मिनट। सरोजनी कुछ अजीब सी ना लग रही थी? तुम भी ना अपने चेहरे पे इतना कुछ लगाओगी ना तो बहुत ही अजीब दिखाई दोगी। यकीन नहीं हो तो चल लगा के दिखाते।
रुको 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 रुको, कहाँ भागे जा रही हो अंदर? आए तुमसे पूछ रहे हैं हम, जब तक शकल नहीं दिखाओगे अंदर नहीं जाने देंगे तुमको। क्या भाई जी, जाने दीजिए ना बेचारी मालिन को, अम्मा जी बाद में बहुत डांटेगी, जाने दीजिए। अरे एक मिनट, जब तक तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे, घूंघट नहीं उठाओगे, मंदिर नहीं जाने, पहले शकल दिखाओ। जाने दीजिए प्लीज, जाने दीजिए। अरे